हेलो फ्रेंड्स, डिजी टेक्नो सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने है AI HDIP कैमरा, जिसके कॉन्फ़िगरेशन, उसकी क्वालिटी, उसके स्पेसिफिकेशन, उसके सारे जो फंक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसमें मिलता है आपको एक USB केबल, माउंटिंग क्लैंप, स्क्रूज और एडाप्टर 12 बोल्ट 2 एम्पियर। ये अपना AI कैमरा है। आप इसके अगर नीचे देखेंगे तो ये जो क्लैंप है इसको माउंट करने के लिए एक होल है। होल में जाकर आपको इसको स्क्रू को टाइट करना है। ये आपका टाइट हो गया प्रॉपर। सेकंड साइड आपको जो दो ये आप देख रहे हैं छेद, उसको आपको स्क्रू सामने हो चुका है ये प्रॉपर कनेक्ट। इसको भी हम देंगे 12 वोल्ट DC एडाप्टर। जो आप बैक साइड में स्लॉट देख रहे हैं इसमें आपका DC इनपुट हो जाएगा। और फ्रंट में आपको मैं बता दूं, कैमरे को हल्का सा आप जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो आपको यहाँ एक मिलता है रीसेट ऑप्शन, और सेकंड आपको TF कार्ड जहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड लगेगा। चलिए अब इसको हम पावर देते हैं। DC पावर ऑन होते ही एक बार ये रोटेट होता है। अभी चलते हैं इसके ऐप के बारे में और इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानने के लिए। फ्रेंड्स, आपको मैन स्क्रीन पर केयरकैम प्रो ऐप दिख रहा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। अभी मैंने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है, केयरकैम प्रो। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैन स्क्रीन आप कुछ इस तरह दिखाई देगी। आपको जो स्क्रीन के सेंटर में दिख रहा है स्टार्ट टू ऐड योर फर्स्ट कैमरा प्लस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ऐड डिवाइस पे आपको जाना है, सर्च बाई QR कोड, पेयर बाई AP कनेक्शन। सेकेंड ऑप्शन पर अपन जाते हैं अगर आपको लोकली किसी कैमरे को एक्सेस करना है तो। जैसे ही आपने कैमरे को पावर दिया होगा तो कुछ ऑडियो साइन देता है वेलकम या हाई का, तो उसको ये कंफर्म करवा रहा है। नीचे आप देखते हैं आई हैड द ऑडियो प्रमोट, उसी ऑडियो के बारे में ही बोल रहा है। उसको आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर जाएंगे। सेटअप वाईफाई, जहां आपका फ़ोन का वाईफाई ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद में आपको केयरकैम का जो वाईफाई है वो दिखाई देगा, आपको उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट होते ही टिक आ जाएगा। टिक के बाद में आपको बैक अपने ऐप पे जाना है। आपका कैमरा कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको लोकली इस कैमरे को चलाना है तो ये ऑप्शन है। सेकंड, आपको अगर इसी कैमरे को ऑनलाइन करना है तो सेटअप वाईफाई कैमरा जो आपके सेकंड ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जाने के बाद एक किसी भी अदर तीसरे फ़ोन से आप हॉटस्पॉट चलाकर इस कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके फंक्शन के बारे में जानने के लिए। फ्रेंड्स, तो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे आपको फुल्ली फंक्शन सब कुछ ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 1x से लेकर 10x जूम दिखाई दे रहा है, अप डाउन लेफ्ट राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखें तो आपको स्पीकर का बटन है, रिकॉर्डिंग का बटन है, क्रॉप का बटन है, डे नाइट मोड का बटन है। आप अगर फुल स्क्रीन पे करना है तो फुल स्क्रीन के लिए भी बटन है। तो अभी
अब इसके फंक्शन के बारे में अपन जानते हैं। सेटिंग पर जाना है आपको, कैमरा सेटिंग में कैमरा प्लेसमेंट, अगर आपको उसको उल्टा माउंट करते हैं तो यहाँ से जाके इन्वर्टेड ऑप्शन है, इसको सेव कर देंगे। नाइट विजन आपको कलर में भी मिलता है, ऑटो फंक्शन पे भी मिलता है, तो आपको ऑटोमेटिक ही डे नाइट को सेंस करके उसकी स्क्रीन को वीडियो को दिखाता है। रिकॉर्डिंग स्ट्रीम आपको HD करना है, फुल HD करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। सैंड लॉक्स है, अलर्ट सेटिंग आपको मिलता है, मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, आप इन सभी फंक्शंस को यूज़ ले सकते हैं। सेंसिटिविटी आपको लो रखनी है, हाई रखनी है, नॉर्मल रखनी है, जैसा भी आप चाहें सेव कर सकते हैं। एक ऑप्शन बहुत ही जो बढ़िया लगा मुझे वो है इसका अलर्ट। अलर्ट में जाके आप इसको सेट कर सकते हैं। बाकी जो सायरन है आपका, इसको ऑन अपन करेंगे तो इसमें एक आपको बेस्ट जो फंक्शन मिलता है वो आपका अपनी वॉइस ऐड करने का, माई ऑडियो क्या है कि आपको जो भी कुछ कहना है कि नो पार्किंग जोन है या फिर जो भी, आप अपनी वॉइस में कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। बाकी इसमें डिफ़ॉल्ट हैं जो अलार्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको मिल जाएगा, जो पुलिस सायरन है। एम्बुलेंस सायरन हो गया और ये डेंजर जोन का, आप किसी कोई भी इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही कोई कैमरे के सामने जाएगा, ये टेस्ट का ऑप्शन आता है, टेस्ट करूँगा तो उसमें भी बजने लग जाता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सैडल रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप जैसे भी जाना चाहें, स्विच करना चाहें, टाइम टू टाइम करना चाहें, या मोशन सेंसर पर आपको छोड़ना चाहें, या कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करनी चाहें, सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। क्लाउड स्टोरेज भी आपको इसमें मिलेगा, माइक्रो SD आपको 128 सपोर्ट है। अभी इसमें IP कैमरा मैंने इनपुट नहीं किया हुआ है। और डेट एंड टाइम अगर आप सेट है तो आप उसको सेट कर सकते हैं, बाकी ऑटोमेटिक ही ये सेट होता है। तो दोस्तों ये थे इसके बारे में थोड़ी जानकारी। बाकी आपको अगर कुछ जानना है इसके बारे में, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको नई वीडियो प्रिपेयर करके आपके सामने ला दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।